पहला दिन है दोस्तों, डे वन, और षष्ठी आज। मुझे पता नहीं मैं कभी अपलोड करूंगा व्लॉग और कब आप देख पाएंगे, और ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं फिर व्लॉग बनाऊंगा नहीं अपने चैनल पे। दुर्गा पूजा ही तो सोचा मैं कुछ बना लूँ यूट्यूब के चैनल के लिए। तो आज पहला दिन है, षष्ठी है, और सुबह सुबह मेरा शो है अभी रेडियो में। पता नहीं आज शाम को मैं क्या करूँगा। अगर निकलता हूँ कहीं मैं तो ऑब्वियसली वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा उसको। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है। वैसे रात भर सोया नहीं हूँ मैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठकर मैं आया हूँ अभी रेडियो में। सुबह सुबह जाम लगा हुआ, बाप रे बाप, भयंकर। एनीवेज देखें क्या होता आज। मिलते हैं थोड़ी देर में, कुछ घंटे बाद। बाय, टेक केयर। ऑलराइट, तो मैं अभी श्री भूमि पहुँचा नहीं हूँ, श्री भूमि के यहाँ पर आ चुका हूँ। एंड इनफैक्ट मतलब क्या हुआ, मेरी मति मारी गई थी, क्योंकि श्री भूमि आने के दो रास्ते हैं। एक है दमदम से आ सकते हो, और एक है आप सेवन टैंक्स होके आ सकते हो। तो मैं क्या किया, मैं शॉर्टकट मारने के चक्कर में दमदम से आ गया, और मेरी तो माथा है भाई, मेरी बुद्धि ख़राब हो गई थी। मैं दमदम से आ गया, बाप रे बाप। मैं निकला था 7:30 बजे और यहाँ पहुँचा 8 बजे, क्योंकि मेरे ज़्यादा नज़दीक है श्री भूमि, सिर्फ 15 मिनट लगता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और आप देख सकते हैं मैं बाइक इधर रखा हूँ। ये है मेरी बाइक, तो यहाँ बाइक रखने का जगह मतलब एक्चुअली आपको मिलेगा नहीं। मेन बात ये है कि शर्मा स्नैक्स है इधर पीछे, वहाँ के आप बगल में बाइक रख सकते हैं। क्योंकि अगर श्री भूमि के लिए अगर आप बाइक या गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो पार्किंग आपको 5-5 किलोमीटर दूर करनी पड़ेगी। और इस शर्मा का दुकान जहाँ पर है, वहाँ से श्री भूमि की एग्जिट है, मतलब अगर आप एंट्री करें एग्जिट पॉइंट उधर से निकालेगा, तो बाइक में इधर ही रख दिया, क्योंकि मुझे पता है। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है बाइक पार्किंग, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको श्री भूमि आना है, सबसे सेफ बाइक पार्किंग है शर्मा स्नैक्स है, उसके बगल में रख दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। चुपचाप रख के निकल जाइए और घूम लीजिए। इनफैक्ट चलिए अब चलता हूँ मैं श्री भूमि की तरफ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं, ये है शर्मा का स्नैक्स, ये शर्मा स्नैक्स है, और उसके वहीं पर मैं बाइक पार्क किया हूँ। तो अभी मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जहाँ से श्री भूमि आने वाला है, अभी मैं पहुँचा नहीं हुआ था, तो भी चल रहा हूँ मैं। कई सारे दोस्तों को बोला कि भाई चलेगा मेरे साथ श्री भूमि, चलेगा? बोलता है 2-3 घंटे लाइन देने पड़ रहे हैं मुझे, 2-3 घंटे लाइन, और कोई हानि भरा। तो मैं क्या किया, बाप रे, तो मैं क्या किया, मैं बोला ठीक है भाई, छोड़ तुम लोग मता, मैं अकेला ही चल जाता हूँ। क्यों, ऑब्वियसली भाई श्री भूमि मना, और ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे घर से, बगल में है। तो मैं सोचा चल देख के आता, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, मैं अकेला देख के आता हूँ। और उसे कोई चिंता भी नहीं, कोई चिक-चिक भी नहीं है कि भाई निकल निकल, लाइन में नहीं खड़ोगे, अकेला आया हूँ, अकेला खड़ो के निकल जाऊँगा। और देखता हूँ मैं इसको कब अपलोड करूँगा, इस ब्लॉग को मुझे पता नहीं अभी, और लेट्स सी। अभी जा रहा हूँ श्री भूमि का, लाइन में घुसने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कितनी लाइन है, कितने घंटे लगेंगे, ऑल ठीक है अभी। और ये मेरा पूजा का नया टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, और नीचे का पार्ट दिखाता हूँ। ये जींस है, और ये शूज़ है, ये है आपका ऑलिव कलर शूज़ है। तो आपने जो मेरा अभी शूज़ देखा वो ऑलिव कलर का था, और लेकिन आज मैं जब लाइन में घुसूंगा वो कल आपको ब्लैक दिखने लग जाएगा, ठीक है? तो एनीवेज अभी श्री भूमि तक मैं पहुंचा नहीं, मतलब श्री भूमि के लाइन तक भी नहीं पहुंचाऊंगा, अभी लाइन भी बहुत दूर है। अभी आप देख लीजिए मैं किधर जा रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको। ये अभी तो ये आपका मेन रोड ही है, ये लेक टाउन है, वो क्लॉक टावर है, वो जो दिख रहा है वो क्लॉक टावर है। अभी वहाँ पहुँचना है मुझे, चल मालूम पड़ेगा, देखें कितना लाइन है। तो ये आपका जो है श्री भूमि के इधर का भीड़ स्टार्ट हो चुका है, हम लोगों को जाना है राइट। देखिए राइट कहाँ से जाने देगा मुझे पता नहीं, देखता हूँ। तो यहाँ से अभी जो है आपका लाइन स्टार्ट हो चुका है,
ठीक है, और ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं भगवान दर्शन इन लोगों को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, मार ले घुस जा। अभी टाइम हो रहा आपका 8:15 हो रहा, तो अभी मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा जाने में। हाँ अभी खुला है, रुकिए जाता हूँ मैं, अभी मैं चल रहा हूँ राइट। एक तो साला मास्क पहन के आदमी सुअर जैसा हो जाता है, बोला नहीं हनी भाई। यहाँ से कम आपका शुरू में जो 2-3 किलोमीटर है, तो अभी लाइन देखे कितना लगेगा मुझे आइडिया नहीं है, लेट सी मैं आपको बताते रहूँगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रस्सी वाला सिस्टम है, एक एक रस्सी क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। आई डोंट नो यहाँ कितने रस्सी है, और मैं अभी 8:15 पे वहाँ खड़ा था, 5 मिनट वो खड़ा रहा, मैं तो 8:20 पे खोला, अब शायद 8:20 पे, या तो 8:25 पे ये खोलेगा। आई डोंट नो कितने रस्सियाँ हैं यहाँ से, श्री भूमि अभी भी बहुत दूर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एनी वेज मैं बताते रहूँगा वो, यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन हर जगह दिया हुआ है, इनफैक्ट अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए तो ये लोग खड़े हैं यहाँ पे आसपास सब है, लेकिन भीड़ बहुत है यार। तो मैं हूँ अभी कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में और दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दो लाइन है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो गाइस देखिए अभी इधर से एंट्री है राइट, अभी इसके अंदर ही मुझे अभी बहुत दूर जाना है, मुझे पता नहीं कितने दूर जाना है। मैं अभी श्री भूमि में हूँ और करीबन मैं 10-15 रस्सी क्रॉस करके यहाँ तक आया हूँ। आई डोंट नो कितना दूर मुझे अभी जाना है अंदर, लेट्स सी, मिलते हैं अंदर जाने के बाद। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ श्री भूमि के अंदर एंड मेरे पास प्रसार भारती का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ऑल इंडिया रेडियो से हूँ, तो मुझे VIP लाइन से इन लोगों ने अलाउ किया है आने के लिए। बाकी अभी आप लाइन देख सकते हैं, बता रहा हूँ आपको लाइन कहाँ पर है, लाइन आप देख सकते हो, आपको दिखा रखता हूँ। ओके रखें, क्योंकि ये VIP एंट्री तो मैं इधर से आया हूँ, यहाँ से एंट्री किया हूँ। और देखिए यहाँ पर वो लाइन है अभी और भी अंदर जा, तो मैं अभी जा रहा हूँ VIP से और मैं आपको बताते रहूँगा आने वाला अपडेट। अगर VIP से नहीं घुसता ना तो मुझे लगता अभी 1 घंटे और लगते, क्योंकि मैं 8:15 पे लाइन पे दिया था, तो अभी हो चुके हैं 9:10 बट लगभग एक घंटे हो चुके मुझे लाइन पे यहाँ पे खड़े खड़े। और अभी मैं जा रहा हूँ VIP से, लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं आपको पंडाल के अंदर जाने के बाद। लाइन शुरू है, मुझे यहाँ खड़ा होना ही पड़ेगा फिर से। एनीवेज कोई बात नहीं, इतना दूर तक कवर हो जाएगी, क्योंकि इतना दूर कवर करना है मुझे करीबन 1 घंटे और लगेगा। अभी लाइन जा रहा है, पूरा लाइन फाइनली श्री भूमि में देख चुका हूँ। सब ऑल इंडिया रेडियो का आशीर्वाद है जो VIP लाइन से घुस पाया, वरना 2-2.5 घंटे मुझे लगने ही लगने थे। और अब एग्जिट के लिए इतनी लाइन है, पर मुझे पता है एग्जिट के वहाँ पे मुझे अपनी बाइक मिल जाएगी, मुझे पता है मैं कहाँ रख के रखा। और खाने के लिए आप बहुत सारे सामान आप खा सकते हैं, बहुत कुछ है। और मैं क्या बोलूँ, मैं एक अलग ही माहौल है कोलकाता में, एक अलग ही लेवल दिख रहा आपको, एक अलग लेवल का क्राउड है, अलग लेवल का इंजॉयमेंट, आदमी भीड़ में भी बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट अगर किसी को बहुत शौक है घूमने का तो वही श्री भूमि है, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगने ही लगने राइट। और नहीं तो आप ब्लॉग देखिए, देख के बता सकते हैं कि कैसा लगा वो। हाँ, बहुत मुश्किल से ढीला ढीली करके मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। एनीवेज चलिए हम आगे चल के देखता हूँ क्या होता है। ये सब आपको एग्जिट के समय मिलेगा, हाँ कूड़े का दान भी मिलेगा, सब मिलेंगे, खाने पीने का सामान, दवाई की दुकान, जो चाहिए वो
और ऐसे पूरे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में ऐसे छोटे छोटे पंडाल आपको दिखते रहेंगे पूरे रास्ते में। जैसे यहाँ पर एक है ऐसे, हर छोटे छोटे पंडाल आपको दिखते रहेंगे पूरे रास्ता, पूरे रास्ता सजा हुआ रहता है हम लोगों के इधर। बहुत मज़ा आता है, देखिए ना भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा है सब अभी निकल गए हैं। तो एक्चुअली आपको एग्जिट में करते करते भी आपको आधे घंटे लग जाएंगे एग्जिट करते करते, और इतनी भीड़ है। मैं वीडियो देखी हूँ कि रास्ता देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ काम, बाइक पार्किंग जहाँ मैं किया हूँ, और 5 मिनट को लगेगा मुझे पहुँचने में, मतलब 9:30 बज रहा है। तो मैं 8:15 पे लाइन लगाया था और 9:30 तक मेरा हो गया। हाँ, अगर आपको श्रीभूमि आना है तो अगर जो नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आने के लिए आप बेलगाछिया उतर सकते हैं। बेलगाछिया से आपको बस मिल जाएगी लेक टाउन तक, या ऑटो मिल जाएगा लेक टाउन, फिर लेक टाउन से आपको और एक ऑटो मिल जाएगा श्रीभूमि के एंट्री तक, नहीं वो रास्ते तक जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। और जो साउथ से आ रहे हैं, साउथ से भी आप मेट्रो पकड़ के बेलगाछिया उतर सकते हैं, या मेट्रो पकड़ के शोभा बाजार उतर सकते हैं। बेलगाछिया वाला रूट तो मैं आपको बता दिया हूँ, शोभा बाजार वाला रूट क्या है, शोभा बाजार उतर के आपको ऑटो या बस लेके उल्टा डांगा, और फिर उल्टा डांगा से ऑटो या बस लेके श्रीभूमि, ऐसा रूट है। तो अगर आपको आने का मन है आप इस तरीके से आ सकते हैं। राइट, अभी मैं जाता हूँ बाइक तक, फिर देखता हूँ आगे क्या करूँगा, देखते हैं। वैसे अभी मैं बाहर का खाना जो है अवॉइड कर रहा हूँ, बाहर खा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मन तो बहुत करता है, उसका मेरा फेवरेट है भाई, अभी खा नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, पहला बात तो है कोरोना की वजह से नहीं खा रहा हूँ, और दूसरा बात थोड़ा फिट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं खा रहा हूँ मैं। तो अभी देखिए क्या होता है आगे, आ रहा हूँ ना, जाने के टाइम समझ में नहीं आता कि इतना नज़दीक है, मैंने इतना दूर है, अभी साला चलने का टाइम मतलब मैं लौट रहा हूँ, तब समझ में आ रहा कि साला ये तो कितना दूर है भाई। चलो देखते हैं, जय दुर्गा माई दी। और ये वाली मेरे पाड़ा की पूजा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे एरिया का नाम विधान पार्क है सिद्धी मोड़ में, ये मेरा एरिया, इधर पूजा होती है, इधर देख सकते हैं आप। और ये जो माहौल है ना, मतलब एक अड्डा का माहौल रहता है बंगाली कल्चर में दुर्गा पूजा में, तो अड्डा करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये पूजा का तो 4-5 दिन होता है, इसमें इंजॉय होता है बहुत, पूजा का जो माहौल है ना मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं घर के पास पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मेरे साथ और कोई था नहीं, क्योंकि सुबह मालूम है श्रीभूमि घूमने 2-2.5 घंटा, उनको क्या पता कि मैं कैसे घुसूँगा। मैंने बोला चल भाई चल, मैंने नहीं 2.5 घंटा लाइन, 3 घंटा लाइन, उस हिसाब से कोई बात गुस्सा इंजॉय किया। अभी खाऊँगा मैं जब भी ब्लॉग बनाऊँगा, मेरा दोस्त था तो चलो अब निकलता हूँ मैं घर के लिए, क्योंकि अभी कोई है नहीं मेरे साथ, अकेला ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई कल कोई रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा घूमूंगा मैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।